दोस्तों, क्या वेटिकन सिटी भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर था? शायद हम इस संबंध में यकीनन कुछ न कह पाए, पर हाल ही में इतिहासकार पी एन ओक ने अपने शोध में यह दावा किया है। उनके अनुसार इस्लाम और ईसाई दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के यौगिक है तथा वेटिकन शहर के अलावा काबा और यहाँ तक कि ताजमहल भी मूलतः शिव को ही समर्पित मंदिर है। आज का यह वीडियो उन्हीं के शोध पर आधारित है। इस वीडियो में मैं उनके द्वारा ईसाई धर्म के पवित्र शहर वेटिकन सिटी और शिवलिंग के बीच बताई गई अद्भुत समानताओं के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बार आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह दुनिया धर्म के एक मजबूत आधार पर खड़ी है और शायद इस बात में कोई संदेह नहीं कि धर्म ही है जो व्यक्ति को सही और संयमित जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी मान्यताएं और आदर्श भी एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं। मुख्यतः हम चार धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से भली भांति परिचित हैं, लेकिन अगर इतिहासकार पी एन ओक की माने तो धर्म चाहे जो भी हो उसका उद्भव सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म से ही हुआ है। अपने दावे को आधार देने के लिए पी एन ओक ने कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से रोम का वेटिकन शहर भी प्रमुख है। ओक का कहना है कि वेटिकन शब्द की उत्पत्ति हिंदी के वाटिका शब्द से हुई है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी को भी सनातन धर्म की कृष्ण नीति और अब्राहम को ब्रह्मा से लिया गया है। पी एन ओक का कहना है कि इस्लाम और ईसाई दोनों ही धर्म वैदिक मान्यताओं के विरूपण में जन्मे हैं। वेटिकन शहर की संरचना और शिवलिंग की आकृति में गजब की समानता है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के पवित्र प्रतीक शिवलिंग और वेटिकन शहर के प्रांगण की रचना में अचंभित कर देने वाली समानताएं भी है। शिव के माथे पर तीन रेखाएं, त्रिपुंड और एक बिंदु होता है। ये रेखाएं शिवलिंग पर भी समान रूप से अंकित होती है। ध्यान से देखने पर आपको समझ आएगा कि जिन तीन रेखाओं और एक बिंदु का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं वह पियाजा सेंट पियट्रो के रूप में वेटिकन शहर के डिजाइन में समाहित है। इतिहासकार पी एन ओक के अनुसार वेटिकन शब्द को संस्कृत के वाटिका अर्थात वैदिक सांस्कृतिक केंद्र से लिया गया है। इसका अर्थ है ईसाई धर्म के उद्भव से बहुत पहले ही वेटिकन यानी कि वैदिक केंद्र जैसे शब्द का अस्तित्व था। रोम के वेटिकन शहर में खुदाई के दौरान भी एक शिवलिंग प्राप्त हुआ जिसे ग्रीगोरियन एट्रुस्कन म्यूजियम में रखा गया है। इतिहासकार पी एन ओक के अनुसार आरंभ में ईसाई धर्म भी एक वैदिक धर्म था जो कृष्ण नीति पर आधारित था। इसका नाम भी कृष्ण नीति ही था जिसे बाद में अंग्रेजी में क्रिश्चियनिटी में ढाला गया था। इन सब के अलावा इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग जिसे आमीन को अपनाते हैं वह भी ब्रह्मांड के सुर ओम का ही एक रूप है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।